Hey guys, welcome back to another video of AKG. Bhai sahab, with the arrival of Cristiano Ronaldo at Man United, bhai sahab, सभी फुटबॉल फैंस जो हैं वो एक्साइटेड हैं. वो चाहे वो फुटबॉल फैंस हो जिन्होंने रोनाल्डो की एक झलक देखी होगी मैन यूनाइटेड में, जैसे मेरे लोग, तो वो तो एक्साइटेड हैं ही कि हमको फिर से वो चीज़ देखने को मिलेगा. और वो फुटबॉल फैंस भी इन जनरल जिन्होंने उन लोगों के मुँह से ज़रूर सुना है जिन्होंने रोनाल्डो को एट यूनाइटेड देखा है कि यार रोनाल्डो वॉज अ डिफरेंट ब्रीड एट मैन यूनाइटेड. तो वो भी इस ब्रीड को वापस से देखने के लिए तरसे हुए हैं. ये कॉम्बिनेशन बहुत लीथल है यूनाइटेड में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की. आज की वीडियो में वी गोना डिस्कस कि कैसे इस डिफरेंट ब्रीड ऑफ रोनाल्डो की फुल पोटेंशियल अनलीश करी जा सकती है ओले के द्वारा. क्या फॉर्मेशन ओले खिलाएगा यूनाइटेड में ताकि रोनाल्डो की फुल पोटेंशियल बाहर निकल के आए, आज की वीडियो में तुमको बताने वाला हूं. साथ ही साथ मैं इस ट्रांसफर डील के पीछे की कुछ और बातें बताने वाला हूं. अगर आपने फैब्रिजियो की ये वाली वीडियो देखी है तो फिर जो है वो तुम वो पार्ट थोड़ा स्किप कर सकते हो, लेकिन मत ही स्किप करना. मैं तुमको और भी कुछ चीजें बताऊंगा, ठीक है. एनीवेज, बिना किसी देरी के जो है वो वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो हाँ, इस डील के पीछे देखो एक चीज जो है, आई एम प्रीटी श्योर तुमने इंटरनेट में कल जरूर पढ़ा होगा या आज भी पढ़ रही होगे कि भाई साहब, सिटी वॉज द फर्स्ट चॉइस ऑफ रोनाल्डो, यूनाइटेड वॉजंट. वो चाहते तो वो सिटी जा रहे थे, वो तो यूनाइटेड बीच में है इसलिए यूनाइटेड चलेगा, लेकिन फर्स्ट चॉइस रोनाल्डो की सिटी थी. तो अभी भी लोग जो हैं वो थोड़े से बिटरेड फील कर रहे हैं. क्या इसके पीछे कहानी, मैं तुमको बता देता हूँ. सीन ऐसी है दोस्तों कि भाई साहब, देयर वॉज ओनली एंड ओनली वन क्लब इन दी सीन जो रोनाल्डो को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रहे थे. रोनाल्डो जो है वो क्लब यूवेंटस छोड़ना चाहते थे, क्योंकि रोनाल्डो को ये चीज़ समझ में आ रही थी कि यार मैं यूसीएल नहीं जीत सकता यूवेंटस के साथ, एंड ही वॉन्ट्स टू विन यूसीएल. तो वो क्लब छोड़ करके जाना चाहते थे, एंड देयर वॉज ओनली एंड ओनली वन क्लब जिसका नाम है मैनचेस्टर सिटी, जो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करना चाह रही थी रोनाल्डो को. एंड रोनाल्डो को जब एक ही क्लब ऑफर करेगी तो वो ऑफकोर्स उसी क्लब में जाने के बारे में सोच रहे थे. अब वो सिटी ही क्यों ना हो यार. अब सीन ये हुआ कि सिटी ट्रांसफर फी नहीं देना चाहती थी यूवेंटस को, और यहीं पे जो है वो डील जो है वो फॉल ऑफ हुई. और मैंने ये बात तुमको फैब्रिजियो से पहले बताई थी कि क्यों ये डील जो है वो फॉल ऑफ हुई सिटी और रोनाल्डो के बीच में. खुद को शाबाशी दे देता हूँ मतलब फैब्रिजियो को बीट करना इज़ नॉट अ जोक, है ना. तो हाँ, तो डील फॉल बिटवीन सिटी एंड रोनाल्डो, क्योंकि रोनाल्डो के लिए फ़ी नहीं देना चाहती थी यूवेंटस को मैनचेस्टर सिटी. एंड ऑफ कोर्स यार, बिना फ़ी के रोनाल्डो को जाने भी नहीं देना चाह रहे थे. लेकिन जब वो फ़ी नहीं देना चाह रहे थे तो बीच में एक दूसरी क्लब आई जिसका नाम था मैन यूनाइटेड. एंड देन जब जैसे ही मैन यूनाइटेड का नाम सामने आया ना, तो फिर तो देयर वॉज नो प्रॉब्लम. मैन यूनाइटेड वॉज रेडी टू गिव अ ट्रांसफर फी फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो टू यूवेंटस. तो वहाँ पे ही सारी चीज़ें सॉल्व हो गई एंड रोनाल्डो बैक टू यूनाइटेड हो गया. क्योंकि ऑफकोर्स यार, यूनाइटेड इज़ अ होम बॉय क्लब, अ होम हुड क्लब फॉर कह सकते हो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और वो वहाँ पे ईजिली चले गए, उनको सोचे भी नहीं. अब सीन ऐसा है दोस्तों कि अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की रेस में मैनचेस्टर यूनाइटेड सिटी के साथ रहती, तो मेरे ख्याल से मैं रोनाल्डो एक बार सोचता भी नहीं सिटी जाने के लिए. वो तो कोई थी ही नहीं रेस में, इसीलिए जो है वो सिटी की तरफ देख रहे थे. अगर यूनाइटेड पहले से रहती ना, तो फिर तो वो सोचते ही नहीं यार. तो देयर इज़ नो बिट्रेयल या ऐसा वैसा ये वो. एज अ प्रोफेशनल भाई साहब, रोनाल्डो वॉज लुकिंग फॉर अनदर क्लब और देयर वॉज ओनली एंड ओनली वन क्लब सिटी. लेकिन जैसे यूनाइटेड का नाम आया, वो तुरंत जो है वो यूनाइटेड चले गए. तो कोई बिट्रेयल नहीं है. और अगर होगा भी तो डू वी केयर? अब तो हमको रोनाल्डो बैक एट यूनाइटेड देखने को मिल रहा है, तो वी डू नॉट केयर. एनीवेज भाई साहब, लेट्स टॉक अबाउट दी स्क्वाड डेप्थ पहले, एंड देन वी विल लुक अप ऑन दी फॉर्मेशन. तो भाई साहब, बहुत बेहतरीन जो है वो ये ट्रांसफर विंडो गया है यूनाइटेड के लिए. उन्होंने सेंचो को खरीदा, उन्होंने वरान को खरीदा, उन्होंने यूनाइटेड में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कमबैक करवा दी भाई साहब. तो यहाँ पे जो है वो बहुत ही प्यारा स्क्वाड डेप्थ नजर आ रहा है. 4-3-3 फॉर्मेशन में बैठा करके मैं तुमको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि क्या स्क्वाड डेप्थ है. ऑफकोर्स कर्टेसी ऑफ दिस इमेज गोज टू बीटी स्पोर्ट. आप देख सकते हैं स्ट्राइकर के रोल में रोनाल्डो, कवानी एंड मार्शियल है, तीन अच्छे स्ट्राइकर. मार्शियल का नाम यहाँ से हटा देना चाहिए क्योंकि वो विंगर टाइप के हैं, बट स्टिल वो कभी कभी स्ट्राइकर वाला रोल जो है वो खेलते हैं. सो रोनाल्डो, कवानी जो है वो बहुत लीथल स्ट्राइकर की तरफ से नजर आ सकते हैं. लेट्स लुक अपॉन दी लेफ्ट विंग. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रैशफोर्ड एंड जेम्स भी हमको देखने को मिल रहे हैं, डैनियल जेम्स. सो जेम्स जो यहाँ पे हैं वो एक प्रोडिजी कह सकते हो यूनाइटेड के हैं. बहुत बेहतरीन पेस है इनका, तो वो भी कई बार लेफ्ट विंग में यूज़ आ सकते हैं अगर रैशफोर्ड वगैरह इंजर्ड होता है तो. बट ओले जनरली मार्शियल को यूज़ कर लेता है, बट जेम्स के ऊपर भी नज़र डालनी चाहिए
मेरे हिसाब से। राइट विंग में अगर हम नजर डालें तो द न्यू साइनिंग जीडन सैंचो विथ मेसन ग्रीनवुड। ग्रीनवुड ने गोल भी मारा था पिछले गेम में विथ अमार डियालो एज वेल, लेकिन अमार डियालो की कोई लोन वाला सीन चल रहा है, सो आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि वो यहाँ पे रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, बट स्टिल देयर आर गुड डेप्थ अटैक में यूनाइटेड की अभी आपके सामने ही है। लेट्स टॉक अबाउट मिडफील्ड। आप देख सकते हैं स्कैम पे आपके सामने ब्रूनो फर्नांडिस। ब्रूनो फर्नांडिस बहुत प्यारे प्लेयर हैं, पोर्तुगीज, यूनाइटेड के टेल्समैन थे, अब रोनाल्डो आ गए तो वो टेल्समैन हो जाएंगे जो यूनाइटेड की जो है वो यूनाइटेड को कैरी करेंगे एक तरीके से। ब्रूनो वॉज डूइंग दैट इन द प्रीवियस सीजन विद जेसे लिंगार्ड एंड जुआन माता। अगर मैं सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर के रोल में बात कर लूँ, दे आर नॉट पर्टिकुलर CDM ऐसा जिन जनरल नहीं है, स्कैम इन लोग सेंट्रल मिडफील्डर ही हैं। पोगबा, फ्रेड एंड वेंडी बीक यहाँ पे हैं। पोगबा की परफॉर्मेंस से तो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, बट पीपल आर नॉट पर्टिकुलरली हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ फ्रेड। बट हाँ, मेरे ख्याल से अब डॉनी वेंडी बीक को चांस देना चाहिए इन दी CDM वाला पोजिशन, एक बार देखो तो वो कैसा खेलता है। जब से आया मैं तो उसको बेंच में ही देख रहा हूँ, सो आई वॉन्ट सी हिम प्लेइंग आगे फ्रेड के, एक बार ट्राई करके देख चाहिए मेरे ख्याल से ओले को। लेट्स टॉक अबाउट दी अदर हाफ ऑफ सेंट्रल मिडफील्डर्स। स्कॉट मैकटोमिनी एंड मैटिक जो है वो हमको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे जो है वो भी बहुत प्यारा प्लेयर का कॉम्बिनेशन है, बट मैटिक उतना गेम खेलते हुए नजर नहीं आते हैं। मैकटोमिनी को यहाँ पे कमान दी जाती है या फिर फ्रेड को दी जाती है विथ पोगबा। लेट्स टॉक अबाउट दी डिफेंस। लेफ्ट हैंड साइड में ऑफकोर्स हमको लूक शॉ देखने को मिल रहे हैं, यूरो के सुपरस्टार, बहुत प्यारा परफॉर्मेंस विथ एलेक्स टेलेक्स एज वेल। लेट्स टॉक अबाउट दी सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर। यहाँ पे जो है वो हमको एक तरफ मैग्वायर एंड बेली देखने को मिलेंगे, एंड राइट हैंड साइड हमको वरान, लिंडलॉफ एंड फिल जोन्स। फिल जोन्स का तो खेल खत्म है, बट या लिंडलॉफ एंड वरान वुड बी दी टॉप ऑप्शन फॉर मैन यूनाइटेड। लेट्स टॉक अबाउट राइट बैक। तो यहाँ पे तुमको वैन बिसाका, डिलियॉट एंड विलियम्स देखने को मिलेंगे, एंड गोलकीपर में तो डिएगा एंड एंडरसन ही है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट हिएटन, बट हाँ ठीक है, बट ऑफकोर्स डिएगा एंड एंडरसन ही हमको जो है वो देखने को मिलेंगे। सो दिस इज अ वेरी गुड ट्रांसफर विंडो फ्रॉम मैन यूनाइटेड। दे हैव साइंड रोनाल्डो, दे हैव साइंड वरान, दे हैव साइंड सैंचो एंड स्टिल स्पेंट लेस देन आर्सेनल। आप देख सकते हैं वेरी ब्यूटीफुल ट्रांसफर विंडो फ्रॉम मैन यूनाइटेड, तो वेरी गुड स्क्वाड डेप्थ, बहुत मजा आएगा देखने में यूनाइटेड को इस सीजन, एंड दे आर लुकिंग क्लोज टू प्रीमियर लीग विद द साइनिंग ऑफ रोनाल्डो, क्योंकि हाँ यार ऑफकोर्स, बट स्टिल यार एक सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर और आ जाता ना यार तो मजा आ जाता यूनाइटेड में, मतलब वो तो फिर प्रॉपर फुलफिल हो जाती यूनाइटेड की स्क्वाड। एक बस CDM ही नहीं है इनके पास, अच्छा प्रॉपर CDM, बाकी तो भाई खेल जमा दिए यूनाइटेड ने। लेट्स टॉक अबाउट सम पॉसिबल फॉर्मेशन। दो फॉर्मेशन मेरे हिसाब से विल बी सूटिंग रोनाल्डो एंड यूनाइटेड एट द वेरी सेम टाइम। देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फॉर्मेशन जो यहां वहां खिला सकते हैं, बट मेरे ख्याल से दो पर्टिकुलर फॉर्मेशन होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ कोर्स इट शुड बी अ 4-3-3 विद रोनाल्डो अप टॉप स्टार्टिंग एज अ स्ट्राइकर। लेफ्ट विंग में रैशफोर्ड को दे दो, राइट विंग में सैंचो को दे दो। सैंचो का ये नेचुरल फॉर्मेशन का जगह है, अगर आपने सैंचो को यहाँ पे साइन किया है तो मेरे ख्याल से यूज़ करके देखना चाहिए सैंचो को विथ रैशफोर्ड एंड रोनाल्डो। सैंचो के पास उतनी जो है वो स्किल्स एंड पोटेंशियल है कि वो ईजिली ड्रिबल आउट करके जो है वो क्रॉसेस वगैरह डाल सकता है रोनाल्डो का, एंड रोनाल्डो की हेटर्स तुम जान रहे हो, अगर क्रॉसेस अगर नहीं भी जाते हैं तो आप पास ही कर दो रोनाल्डो को, एंड देन रोनाल्डो मैजिक करके आपको दिखाएंगे। लेफ्ट में ऑफकोर्स रैशफोर्ड रहेंगे, रैशफोर्ड भाई साहब लेफ्ट विंगर ही हैं, बहुत प्यारा खेलते हैं यूनाइटेड में, कोई इसमें दोहराए नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट मिडफील्ड। अगर मिडफील्ड के बारे में बात कर लूँ तो आई वुड पर्टिकुलरली गो विथ पोगबा, ब्रूनो एंड फ्रेड। यस यस यस, फ्रेड ही। स्कॉट मैकटोमिनी को भी चांस दे सकते हैं यहाँ पे, और अगर आपको वो नहीं जम रहा है तो आप डॉनी वैन डी बीक को भी चांस दे सकते हो, बट यहाँ पे ऑप्शंस हैं यूनाइटेड के पास, मतलब आपको हिट एंड ट्राई वाले ऑप्शंस है। मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रॉपर ऑप्शन ही ऑप्शन है, बट हाँ हिट एंड ट्राई वाले ऑप्शंस है। लेकिन हाँ, अगर मैं ओले की तरफ देखें तो वो यही यूज़ करता है पोगबा, फ्रेड एंड फर्नांडिस, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। बट इट्स नॉट फर्नांडिस, इट्स फर्नांश, पता नहीं बहुत अजीब सा नाम है आई नो, बट इट्स फर्नांश, मैंने देख रहा था, मतलब मैं प्रोनंसिएशन वगैरह देख रहा था। लेट्स टॉक अबाउट द डिफेंस। लेफ्ट विंग में ऑफ कोर्स लूक शॉ स्टार्ट करेंगे विद मंगवायर एंड वरान स्टार्टिंग विद एरन वैन बिसाका, यहां पे तो कोई डाउट नहीं है, एंड गोलकीपर ऑफ कोर्स डेविड डिया जो स्टार्ट करेंगे। सो दिस कुड बी द पोटेंशियल लाइनअप ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, मेरी नजर में वन ऑफ द बेस्ट लाइनअप मेरे हिसाब से यही होगा 4-3-3, क्योंकि यहां पे हर एक बंदा अपनी नेचुरल पोजीशन में खेल रहा है। यहां पे फर्नांडिस की तरफ से भी जो है वो क्रिएटिवनेस का केवल जोरमदार रहेगा, ये नहीं रहेगा कि यार मेरे को जाकर अटैक
भी बनाना है क्योंकि अब रोनाल्डो आ गए। सेम गोज विद पोगबा एज वेल। अब पोगबा के ऊपर भी वो नहीं रहेगा कि यार मेरे को भी आगे जाके खेलना है क्योंकि अब रोनाल्डो है, तो अब टेंशन नहीं है, अब तुम अपनी क्रिएटिवनेस दिखाओ। लेट्स टॉक अबाउट दी अदर फॉर्मेशन जो मेरे ख्याल से काम कर सकता है। वो फॉर्मेशन कुछ इस तरीके का है, 4-2-3-1। आई नो पीपल आर नॉट क्वाइट हैप्पी विद दिस फॉर्मेशन। दे गोना से कि भाई यहाँ पे केवल दो ही मिडफील्डर खेलते हुए हमको नजर आ रहे हैं, पर्टिकुलरली मतलब डिफेंस वाले मिडफील्डर के बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि आप अगर अभी टीम्स को देखो तो आजकल टीम्स 4-4-2 खेलने लग गए हैं या फिर वो 4-3-3 खेलने लग गए हैं। तो यहाँ पे जो है वो मिडफील्डर्स जो हैं वो आउट नंबर्ड हो जाएंगे। सामने वाली टीम के पास 3 मिडफील्डर रहेंगे और यहाँ पे 2 मिडफील्डर ही केवल डिफेंस करेंगे, तो वो आउट नंबर होने वाली चांस हो जाएगी। लेकिन इस चीज़ को जो है वो इजीली सुधार कर आ जा सकता है फर्नांडिस को ये कह करके कि भाई आप पीछे आ जाना, ब्रूनो को कह करके आप पीछे आ जाना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो इस फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं रोनाल्डो यहाँ पे एक प्रॉपर पोचर वाला गेम हमको खेलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अगर मैं हीट मैप में नज़र डालूं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, तो आप देख सकते हैं कि हीट मैप काफ़ी ज़्यादा जो है वो वर्सेटाइल है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। वो लेफ्ट विंग में भी आना पसंद करते हैं, बीच में भी आना पसंद करते हैं। दिस कैन बी सूटिंग टू मैन यूनाइटेड, क्योंकि इस फॉर्मेशन में अगर रोनाल्डो एक प्रॉपर सेंट्रल स्ट्राइकर बनकर के खेलते हैं, अगर वो पोचर बनकर के खेलते हैं और अगर वो भी पीछे आना चाहते हैं, तो वो उस पोजीशन को रैशफोर्ड भी ले सकता है, सैंचो भी ले सकता है। उन दोनों को आगे जा करके स्कोर करने की आदत है, तो दे कैन डू दी सेम। तो या इस फॉर्मेशन में भी यूनाइटेड काम हमको करते हुए नजर आ सकती है विद 4-3-4-2-3-1। रोनाल्डो, सैंचो, फर्नांडिस, रैशफोर्ड विद मैकटोमिनी एंड पोगबा। बैकलाइन सेम रहेगी विद डेविड डी एज वेल। देर आर अदर फॉर्मेशन एज वेल जिसमें रोनाल्डो हमको खेलते हुए नजर आ सकता है, वो काम करते हुए हमको नजर आ सकती है। 4-4-2 में भी जो है वो हमको रोनाल्डो नजर आ सकते हैं, और भी कई सारे फॉर्मेशन जैसे 4-4-2 हो गया, 4-4-2 में भी रोनाल्डो एंड कवानी ऊपर हमको खेलते नजर आ सकते हैं। एंड देर आर लॉट्स ऑफ फॉर्मेशन जहां पे खेल सकते हैं, बट आई पर्टिकुलरली थिंक कि 4-3-3 इज द बेस्ट फॉर्मेशन। एंड सेकंड जो है वो 4-2-3-1 भी जो है वो यूनाइटेड को सूट कर सकता है। तो ये थे दो बेस्ट पॉसिबल फॉर्मेशन मेरी नजर में यूनाइटेड के लिए। आपके हिसाब से क्या फॉर्मेशन काम आएगी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। बट या दिस ट्रांसफर है शुक द वर्ल्ड, वो पूरे ट्रांसफर मार्केट को हिला दिया है। एंड ऑफ कोर्स विद द ट्रांसफर ऑफ लियोनेल मेसी टू पीएसजी एंड विद द ट्रांसफर ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो बैक टू मैन यूनाइटेड, आई गेस दिस ट्रांसफर इज द क्रेजीएस्ट वन वी हैव एवर सीन। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम अशीष सनी, और बाय, टेक केयर, पीस, ध्यान रखें अपना। चाओ।